नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि WhatsApp पे आए टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट जो कि इस तरह से आते हैं, डॉक्यूमेंट हुआ, आईडी कार्ड हुआ या कोई अन्य कागज हुआ जो कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको हमें प्रिंट निकालने में दिक्कत होती है, तो इसको हम फोटोशॉप से सीधा कैसे किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद फाइल पे आते हैं और जिस भी फ़ोटो को सीधा करना है ओपन करते हैं उसको। ये हमारी फ़ोटो है, इसको हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद हमें क्रॉप टूल पर आना है, इसको थोड़ा सा काट लेना है हमें, कटने ना पाए, बस इतना हमें काटना है कि ये आईडी कार्ड कटने ना पाए। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हमें आईडी कार्ड साइज का एक पेज लेना है, तो फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम जो आईडी कार्ड का साइज होता है 3.3 इंच और 2.1 इंच और रेजुलेशन 300 यहाँ पे देना है। यहाँ पे इंच सिलेक्ट होना चाहिए, तो 3.3 2.1 इंच का हमें पेज लेना है जो कि आईडी कार्ड का साइज होता है। को ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों इसको हमें आईडी कार्ड को ड्रैग करके यहाँ लाना है और इसको हम बंद कर देंगे। हम यहां से मैक्सिमाइज कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस की मदद से जूम कम कर लेंगे। अब इसको हम यहां पे ये हमारा नोट दिख रहा है, ये है ये है ये है, तो इसको हम कंट्रोल दाब के इस पर हमें क्लिक करना है और इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। दोस्तों कंट्रोल आपको दाबे रखना है इस तरह से, कंट्रोल आपको दाब के ही रखना है इस तरह से एडजस्ट करते हैं। दोस्तों उसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप ऊपर नीचे करके इसको सीधा कर लेंगे, बस ध्यान रहे कंट्रोल दाब के इस पर क्लिक करना है, इस कंट्रोल दाब के इस पर क्लिक करना है, तो कंट्रोल दाबे रखना है। दोस्तों ये हमारी फ़ोटो सीधी हो गई। इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सीधा कर सकते हैं। इसको हम क्राफ्ट टूल की मदद से यहाँ से क्रॉप कर लेंगे और इसको इंटर मार देंगे, ये क्रॉप हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारी फ़ोटो जो कि तिरछी थी अब सीधी हो गई। इसको हम फाइल पे जाके सेव कर लेते हैं। सेव करके यहाँ पे नाम दे देते हैं बीके। ये हमारी सेव हो गई। तो दोस्तों आप भी इस तरह से किसी भी फ़ोटो को सीधा कर सकते हैं और इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।